वेलकम टू टू आइटम्स फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क के सवालों को हम कर रहे थे। आइए उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम कई सारे सवालों को कर चुके हैं और बड़े अच्छे अच्छे टाइप थे वो, आगे भी आपको बड़े अच्छे टाइप मिलेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जिस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए और बी मिलकर 12 दिन में किसी कार्य को करते हैं, वहीं पे बी और सी मिलकर 16 दिन में किसी कार्य को करते हैं, और उसके बाद उसने ये कहा कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले 5 दिन तो कार्य हो रहा है वो ए काम करेगा, उसके बाद 7 दिन जो काम होगा उस बी करेगा, और उसके बाद जो 13 दिन तक काम हुआ वो मतलब, तो ये इनकी टाइमिंग है कि इतने दिनों तक इन्होंने कार्य किया है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। कहा कि ए और बी, फिर कह रहा है बी और सी, इन लोगों ने जो काम किया है उनकी टाइमिंग दे रखी है। हमें हमसे कह रहा है पहले वो 12 दिन में, ये 12 दिन में कार्य समाप्त होता है, इसके बाद कह रहा है 16 दिन में। इसके बाद आप देखिए उसने कहा कि ए जो है वो 5 दिन कार्य करता है, तो पहले हम क्या करें इसका एलसीएम ले लें, तो यहां से मिलेगा 48 12 4 48 और ये 16 13 48, तो इतना हमें मिला। अब वो कह रहा है कि ए 5 दिन काम करेगा, तो ए के साथ साथ बी भी तो 5 दिन काम करेगा, अगर हम यहां से निकालें तो ये हमारा 5 दिन अगर काम करता है तो बी ने भी 5 दिन काम कर लिया, तो ये जो टोटल काम निकल के आएगा ये 20 निकल के आएगा। इसके बाद उसने कहा कि बी जो है वो 7 दिन काम करता है, तो 5 दिन ये बी काम कर चुका है और 7 दिन ये काम करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 दिन और काम करा दें तो बी का 7 दिन पूरा हो जाएगा और सी से भी 2 दिन निकल आएंगे, यानी 13 दिन काम कर रहा था तो अब वहां 11 दिन बचेगा। तो इस तरह से ये जो निकल के आया ये आ गया 6। अब आप देखिए इतना काम हो चुका है, इसको हम ऐड करें और इसमें लेस कर दें, तो अब कौन बचा, सी बचा है, कितने दिन काम करेगा, टोटल करने थे उसको 13 दिन, लेकिन 2 दिन यहाँ पे कर चुका है इसके साथ में, तो बचे कितने, अब बचेंगे 11 दिन, यानी सी अभी 11 दिन काम करेगा, तो इसको इसमें लेस कर दो और इस ये जो काम है वो हम इसमें भाग गिरा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि सी अकेला कितने दिन में इसे कर सकता है। तो सी अकेला जब करेगा इसको तो 48 में से 26 को घटाएंगे और 11 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहां पे देखो जरा कितना बनता है, इसको हम घटाएंगे तो यहां से 2 और यहां से 2, ये 11, 11 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ये देखो, ये जो निकल के आया ये क्या निकला है, ये निकला है एक दिन में कितना काम करता है सी, ये निकल गया है। तो हमें ये पता करना है भाई, इसका एलसीएम ये है, तो हमें ये पता करना है कि ये अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है और इसका एलसीएम ये है, तो इसका भाग इसमें दे दें तो ये निकल के आ जाएगा। तो यानी अगर हम ये करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 24, यानी 24 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा। तो यहां से जो ऑप्शन सही होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसमें कह रहा है 24 दिन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, उसने कहा कि ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए जरा यहां जो बात बोली गई है उसको देखते हैं। उसने कहा ए और बी अकेले काम करना स्टार्ट करें तो ये क्रमशः 10 और 15, तो 10 दिन इसको लगेंगे और 15 दिन इसको लगेंगे, तो कह रहा है कि इतने दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। लेकिन आगे उसने एक कंडीशन लगा दी, कहा यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा ए कार्य को आरंभ करें, मतलब ये है कि ये दोनों बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन ए काम करता है दूसरे दिन बी काम करता है, फिर से तीसरे दिन ए काम करता है चौथे दिन बी काम करता है। कह रहा है कि अगर ए से स्टार्ट हो तो ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा हमें ये बताना है। तो देखिए जरा इनका एलसीएम जो होगा वो 30 हो जाएगा,
यहां से ये 3 और 2 हो जाएगा, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि भाई एक एक दिन में इतना काम समाप्त करेगा, ये इतने एक दिन में इतना काम समाप्त करेगा। इसके बाद हमसे एक आ गया कि ये एक दिन का कार्य, ये दूसरे दिन का कार्य, फिर ये तीसरे दिन का, ये चौथे दिन का। इसका मतलब ये हुआ कि दो दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। तो दो दिनों में 5 काम हो रहा है, हमें 30 काम कराना है। इसका मतलब हमें कितने गुणा कराना होगा, 6 का, तो इस तरफ भी 6 का गुणा होगा। तो देख लीजिए 6 काम, 30 काम कराने के लिए 12 दिन का समय लगेगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर निकल के आया वो होगा 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए यहां पे बारी बारी का मतलब ये कि ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए और फिर बी, इसी तरीके से काम चलता रहेगा और ये 12 दिनों तक ऐसा ही चलेगा। अब यहीं पे अगर इस क्वेश्चन में वैल्यू कट ना रहती, मतलब यहाँ पे 30 था, अब हमें क्या होता कि यहाँ पे 34 लाना है, तो क्या करें, तब भी हम 6 से ही गुणा कराएंगे और देखेंगे 12 दिन में काम समाप्त हो चुका है। उसके बाद इतना काम हो चुका, अब ये 12 दिन हो चुके, फिर कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा। मान लीजिए यहां तक आपका काम हो चुका 30 काम, और यहां फिर कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा। तो एक दिन में ए कितना करता है, 3, तो ये हो गया 33, एक दिन अभी भी बचा हुआ है, तो यहां हो गया 13 और ये हो गया 33, एक दिन बचा हुआ है। तो अब कौन करेगा, बी करेगा, तो हम कहेंगे 1/2, तो आ जाएगा 33 सही 1/2 दिन। जब आपसे क्या कहें, जब हम ये कहें कि यहां पे आपकी वैल्यू बननी होती 34, तब तो मतलब ये है कि तब क्या करते हैं, तो ये कंडीशन आती है, बाकी जो वो है वो आप समझ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन अगले पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, उसके बाद कह रहा है कि बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है कि यदि कार्य को ए प्रारंभ करे और ये बारी बारी से काम करे, कौन ए और बी, तो कह रहा है कितने दिन लगेंगे हमें ये बताना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि ए जो है वो 16 दिन में और बी जो है वो शायद 12 दिन में, कह रहा है 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यहां से जो हमारा एलसीएम बनेगा वो 48 होगा, तो ये 3 और ये 4। अब आप देखिए जब ये बारी बारी काम करेंगे तो ये दो दिन में हुआ हुआ कार्य होगा, मतलब ये 7 काम जो टोटल होगा वो 2 दिन का कार्य रहा होगा। तो इस तरह से ये जो टोटल निकल के आया है 7, तो ये 2 दिन में 7 कार्य करते हैं, तो 48 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके या तो हम इतने पे ही पहुंच जाएं, ऐसा गुणा कराओ साथ में कि इसमें पहुंच जाएं, या हम इसके नियर पहुंच जाएं, इससे ज्यादा ना हो। तो देखो जरा यहां से अगर हम 7 का गुणा कराते हैं तो 49 हो जाएगा, जबकि यहां पे 48 है, तो हम क्या करेंगे, एक कम से गुणा कराएंगे, तो यहां पे 6 और यहां पे भी 6, तो ये आ जाएगा 12 दिन और यहां आ जाएगा कितना, 42। अब देखो बचा कितना काम, 42 काम करवा लिया हमने, बचा कितना यहां से 6। तो आप ये देखो कि अगर हम अगले दिन ए को लगा दें तो दिनों की संख्या हो जाएगी 13 और काम कितना हो जाएगा, 45 काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 काम करता है दिन में। अब उसके बाद कौन करेगा, बी करेगा, तो काम बचा हुआ कितना है, तो देखो 45 हो चुका है, 3 बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे अब आपका ये कटेगा नहीं 4 से, तो हम कहेंगे 3/4 और तो ये टोटल टाइम जो आपका निकल के आएगा वो 13 सही 3/4 दिन, ये आपका निकल के आएगा फाइनली आंसर, जब ये बारी बारी से काम करते हैं तब। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए फिर से इसको देख लेते हैं, यहाँ पे होता क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है या तो वही पहुंच जाए या तो उससे कम रहे, तो हमने क्या किया 6 से गुणा कराया, क्योंकि 7 से कराने पे 49 आ रहा है, 49 ज्यादा है, तो 6 से किया तो यहाँ पे 42 आ गया। अब हम देखेंगे कि ये बी तक काम हो चुका है, अब फिर से कौन करेगा, ए करेगा, तो ए को एक दिन हमने और करवा दिया तो 13 दिन हो गए, एक दिन में 3 काम करता है तो 3 इसमें ऐड कर दिया। अब देखा काम बचा हुआ कितना है, तो हमने देखा 48 में से 45 प्लस करेंगे तो 3 काम बचा हुआ है, करेगा कौन, बी करेगा, तो एक दिन में जितना करता है उसका भाग देते हैं, तो यहाँ पे जब भाग दोगे तो 4 आ जाएगा,
यानी ये वैल्यू अलग है और ये 13 यहां से निकल चुका है, तो इतने दिन ये और इतने दिन ये ऐड करेंगे तो ऐड फॉर्म में ऐसे ही तो लिखते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं इतने दिन, या हम इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है। तो इतने दिन हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बी सी एक कार को 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे तीनों लोग कहा गया है, तीन लोग हैं इसमें ए बी और सी, ये क्रमशः 11, 20 और 55, तो 11, 20 और ये 55 इतने दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इसका मतलब ये वो ये कह रहा है कि अगर पहले दिन में ए के साथ बी काम करे, यानी ए प्लस बी काम करे, और फिर कह रहा है कि दूसरे दिन ये सी के साथ काम करने लगे, यानी जो दूसरा दिन हो उसके साथ सी काम पे लग जाए, तो पहले दिन ये दूसरे दिन ये, तो ये दो दिन का काम हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे 110 यहां से हमारा एलसीएम निकल के आया, तो 20 से इसको कट करें, यहां 220 लेना पड़ेगा, 220 लेंगे तो यहां से होगा क्या, जब आप इसको 11 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 20, और जब आप इसको इससे कट करोगे तो यहां पे आ जाएगा 11, और जब आप इसको इससे कट करेंगे तो देख लो जरा, इसको इससे कट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 5 और यहां से ये 10, तो ये 2 आ गया, ये 5 टाइम्स और यहां से ये 2 टाइम्स, तो 20 आएगा। इसको जब आप 5 से कट करोगे तो ये 4 आएगा यहां पे, तो ये 4 आ जाएगा। अब आप इसको देखिए जरा आगे क्या करेंगे, उसने ये कहा है कि आप पहले ए के साथ बी को काम पे लाइए, तो ए का एक दिन का जो कार्य है वो ये है, और ये बी का कार्य है, ये सी का कार्य है एक दिन का। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ, क्योंकि पहले दिन में हमें ये दोनों साथ में काम कराने, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 प्लस 11 और इसके बाद इसको और इसको साथ में काम कराना है अगले दिन, तो अगले दिन हमने इससे काम करवाया, देखा कि यहाँ पे 1 ये 3 और ये यहाँ पे इतना, यानी एक दिन में पहले दिन जो कार्य होगा वो 31 और दूसरे जो दिन कार्य होगा वो 24 दिन कार्य आएगा। तो इस तरह से दो दिन का जो काम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो दो दिन का जो कार्य निकल के आएगा वो हमारा आएगा 55। अब हमको कार्य पूरा कराना है इतना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें क्या करें, 4 से गुणा कराएं दोनों तरफ, तो ये 55 गुणा 4, तो यहां से आपका जो निकल के आएगा वो वैल्यू 8 दिन में इतना काम पूरा कर लेगी। तो देखिए हमें यही काम पूरा कराना था और इन दोनों की सहायता से, तो पहले दिन ये इतने काम करते हैं, दूसरा दिन ये इतना काम करते हैं, तो 8 दिन में पूरा कार्य को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में क्रमशः समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमसे उसने कहा ए बी और सी ये काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर पा रहे हैं, ये हमें टाइम दिया गया। उसके बाद उसने ये कहा कि ए लगातार कार्य करता है, हर तीसरे दिन बी और सी इसके साथ में कार्य करते हैं, तो इसके बाद ये कह रहा है कि ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। उसने ये कहा कि 2 दिन तो ये अकेला काम करेगा और तीसरे दिन इसके साथ में बी और सी भी आ जाएंगे, यानी हमें यहां से कहेंगे 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो इसको पूरे को ऐड कर देंगे, हमें 3 दिन का कार्य मिल जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे इसका एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा 60, तो यहां से ये 3, ये 2 और ये 1, यानी एक दिन में जो ए काम करेगा वो 3 करेगा,
बी दो और सी तीन एक। तो यहां से हमें करना ये है कि पहले तो दो दिन हमें इसको अकेले काम कराना है, क्योंकि तीसरे दिन में ये दोनों साथ में मिल जाते हैं। तो दो दिन इसको अकेले काम कराएंगे तो कहेंगे तीन तीन, और यहाँ पे इस सब के सब साथ में काम करेंगे तो हम कहें इतना। यहां से जो वैल्यू निकलेगी ये सिक्स, और इसको ऐड करोगे तो ये भी सिक्स, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व। यानी तीन दिन का जो काम निकल के आया वो इसके बराबर होगा। इसके बाद हम देखेंगे ये काम हमारा जो निकल के आया वो तीन दिन में निकल के आया, कि तीन दिन में बारह काम को समाप्त करते हैं। हमें समाप्त करना है साठ को, तो देखो तीन दिन में बारह कर रहे हैं, साठ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर फाइव से और इधर फाइव से गुणा कराएंगे, तो पंद्रह दिन जो निकल के आएगा और यहां से ये साठ, यानी पूरा साठ काम जो होगा वो पंद्रह दिन में पूरा होगा इन तीनों की सहायता से। कब? जब दो दिन ए अकेला काम करता है और तीसरे दिन बी और सी की हेल्प लेता है तब। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, बी अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहां पे ये पूरा करेगा। अब आप देखिए इसका एलसीएम जो होगा वो 36 आ जाएगा। इसका एक दिन का कार्य जो निकलेगा वो तीन, और इसका एक दिन का कार्य होगा वो दो। इसके बाद उसने कहा कि अगर ये दोनों कार्य एक साथ स्टार्ट करते हैं और कार्य समाप्त होने के तीन दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, तो हमने क्या किया कि इसको तीन दिन काम करवा लिया इससे, यानी नौ। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले ही काम करवा लेंगे नौ, और यहाँ पे अब जो हमारा काम करना होगा इन दोनों को वो 45 करना होगा। तो हमसे कहा गया है कि ये दोनों साथ में कार्य करें तो कितना टाइम लगेगा, तो 45 बटे ये दोनों एक दिन में पांच काम करते हैं, तो इसलिए इनको जो टाइम लगेगा वो 9 दिन का समय लगेगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 9 दिन। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। तो 10 15 20 ये टाइमिंग दी गई है, 10 15 और 20 दिन। ये ए और बी अगर अकेले काम करें तो इतने दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 60। तो यहां से ये 6 और ये 4 और ये 3, यानी एक दिन में जो काम करेंगे वो वैल्यू ये आ गई। अब इसके बाद आपसे ये कह रहा है कि दो दिन ए और सी मिलके काम करें, तो दो दिन इनको इनको मिला के काम करना, इसका मतलब ये है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, नौ काम कर रहे हैं, तो दो दिन में कितना करेंगे, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, नौ काम कर रहे हैं एक दिन में, तो दो दिन में कितना करेंगे, 18 काम हो जाएगा। तो यहां पे देखो उसके बाद उसने ये कहा है कि ए के स्थान पर बी कार्य पर लग जाता है, तो अब कुल कितने दिन ये काम करेंगे, तो देखो जरा अब ए के स्थान पर हम बी को ले लें तो काम बचा कितना है, 18 तो हो चुका है ना दो दिन में, तो अब जो काम यहाँ पे बचेगा वो 10, ये 2, ये 5 और ये 4, यानी 42 काम बचा हुआ है। अब बी और सी इस काम को पूरा करेंगे, तो यहां से देखो ये 7, इसको इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा 7। तो यानी अब जो ए ये बी और सी काम करेंगे वो 42 काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 6 दिन में। हाँ, तो ये 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो यहां से देखो ये 6 और 2 8 दिन, यानी जब ये ए और सी काम कर रहे थे दो दिन लगे थे और ये बी और सी जब काम कर रहे थे 6 दिन लगे हैं, तो जो टोटल टाइम लगा हुआ है अपना वो क्या आया, वो आया 8 दिन। तो इतने दिन का समय लगेगा। इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो देखो इसमें कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, इसके बाद बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो यहां पे बी 10 दिन में कर रहा है,
उसके बाद ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी अब जो ये काम दे रखा है वो कह रहा है ए बी और सी, इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, इसका एक दिन का काम निकालोगे तो 5, ये 6 और यहां से ये 12, ये काम एक दिन का निकल के आया है। उसके बाद हमसे उसने ये पूछा है कि सी का काम बताइए। तो देखिए अगर इसको हम इसके साथ ऐड कर दें और इसमें से लेस कर दें तो ए से ए, बी से बी कट जाएगा तो सी बचेगा, यानी सी की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो जो काम यहाँ पे किया है वो काम यहाँ करना होगा, इसको इसको ऐड करो और इसमें से लेस कर दो। तो इसको हम ऐड करें तो 11, 12 में से लेस करेंगे तो 1 बचेगा, और काम कितना करवाना है 60 काम करवाना है। तो यानी ये जो टोटल टाइम लगेगा वो 60 दिन का समय लगेगा इसको सी को ये काम पूरा करने के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो यहां करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर इस कार्य को, एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। उसके बाद उसने कहा कि बी और सी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर अगर काम स्टार्ट करें तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 6 दिन में समाप्त हो रहा है। तो यहां से जो इनका एलसीएम बनेगा वो 24 बनेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3, ये 2 और ये 4। तो ये एक दिन का काम निकल के आ गया। अब हमसे ये पूछा गया है कि A प्लस सी यानी ये दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि अगर इस वैल्यू को इसमें से घटा दें तो A की वैल्यू मिल जाएगी, यानी हमें ये पता चल जाएगा कि A एक दिन में कितना काम करता है। तो इस वैल्यू को इसमें से घटाएंगे तो हमें ये पता चला कि A एक दिन में 2 काम करता है। इसके बाद हम क्या करें, सी को निकाल दें तो ये क्या निकल के आ रहा है, ए अगर हम ए को निकालें तो ये एक दिन में 2 कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद इसको अगर इससे घटाते हैं तो सी निकल के आ जाएगा, तो सी जो होगा वो क्या होगा, सी जो निकल के आएगा वो यहां से देखिए इसको इसमें लेस करेंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी एक दिन का कार्य जो सी का निकल के आया वो ये निकल के आया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की सहायता से ये 24 काम पूरा करवाना है। तो हम कहेंगे ए प्लस सी जो काम करेंगे वो एक दिन में 3 काम करते हैं और टोटल काम है 24। तो यहां से जो निकल के आएगा वो वैल्यू आ जाएगी 8, यानी ए प्लस बी अगर कार्य करें तो 8 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं।